दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज रिजल्ट आया सेमेस्टर एग्जाम का और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, सारी चीजें बहुत अच्छी रही, लेकिन कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहे, सर जी ये सिक्स क्या है, एसजीपीए क्या लिख किया गया, सारी चीजें क्या है। तो हालांकि अगर हम चाहें तो ये एक घंटे की वीडियो बना सकते हैं, फार्मूला बता देंगे आपको, क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ग्रेड पॉइंट क्या होता है, दुनिया भर के फार्मूले बता के, और आखिरी में आपको अगर सर जी परसेंटेज निकालना बता दो यार, कहां दुनिया भर का आपने क्लेश बता दिया। तो मेरे भाई एसजीपीए का मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज है सर, ठीक है, ये एक एवरेज है कि आपको एक अंदाजा दिया जा रहा है कि मेरे भाई आपकी कितनी परसेंट और इससे कैसे आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, वो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। और कितना एसजीपी आपका है तो आप अच्छी परसेंटेज आपकी है, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है भाई, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं परसेंटेज होनी चाहिए। तो एक बेसिक तरीका, उन सारे फार्मूलों को क्रेडिट पॉइंट ये पॉइंट भाग देने के बाद, दुनिया भर का रमल करने के बाद, एक बेसिक तरीका मेरे भाई ये होता है कि बाई चांस चलिए आपके आठ हैं, आपको मिला है कितना सीजीपीए, सॉरी कितना एसजीपीए, एसजीपीए कितना मिला है मेरे भाई, आठ मिला है, तो आप इसकी दस से गुणा कर दो और उसमें से साढ़े सात घटा दो मेरे भाई, ठीक है, आठ दाम कितना हो गया, अस्सी हो गया, अस्सी में से साढ़े सात मेरे भाई घटा देंगे, यानी लगभग कितना आ जाएगा 72.5% आपकी सर आ जाएगी, कैसे भी निकालना है। एक बच्चा पूछा सर मेरी छः है तो क्या करें, लो मेरे भाई छः है, कितने से गुणा करोगे, साठ से, उसमें से कितना घटाओगे मेरे भाई, साढ़े सात, कितना आएगा 52.5% मेरे भाई आपकी है, ठीक है, पहली बात। तो अब कुछ लोग सर कहेंगे सर जी साढ़े सात ही क्यों घटाया, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज निकालना सीखना है और उसका ये फार्मूला, अगर कमेंट करना तो एक डिटेल में पूरी सारणी वगैरह बना के समझा देंगे, ठीक है। अब कितना आपका एसजीपीए आ जाए कि आपको अच्छा समझा जाए, तो देखिए सर अगर आपका जो एसजीपीए है वो मेरे भाई है ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, 90% है उससे ज्यादा है, तो आपका जो यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लेटर ग्रेड मिलेगा वो ओ होगा, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी आपका जो ग्रेड पॉइंट्स होंगे वो 10 होंगे पूरे, बहुत अच्छा। 80 है या 80 से लेस देन 90, 80 से 90 के बीच में है तो आपको ए प्लस मिला होगा 9, यानी अगर आपको ए प्लस मिला है तो अच्छा है सर, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी देखिए, जैसे एक बच्चे के अभी 75 में 65 नंबर थे, हमने वीडियो बनाई थी बीडी केडीएन पे, 75 में 65 केमिस्ट्री में नंबर थे, तो उस बच्चे को ए प्लस मिला था, क्यों ए प्लस मिला था मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह सब उसके नंबर मिला के 100 में से हो रहे थे 84, ठीक है सर, तो 80 से 90 के बीच में थे तो उसे क्या मिल गया मेरे भाई, ए प्लस मिल गया। इस टाइम में उसके ग्रेड पॉइंट कितने रहे होंगे, 9 रहे होंगे सर, ठीक है। 70 है या 80 से कम है तो ए मतलब वेरी गुड, यानी ये भी अच्छा है मेरे भाई, अगर आपके 70 से 80 के बीच में घूम रहा है, जैसे अगर किसी बच्चे की मान लिया 8 सीजीपी अभी हमने बताया, तो 8 का मतलब क्या हो गया बताओ, 8 एसजीपी है तो 8 का मतलब क्या हो गया बताइए, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, माइनस घटाएंगे साढ़े सात तो कितना है 72.5 आएगा, और 72 पॉइंट मतलब 70 से 80 के बीच में है, तो यानी आप वेरी गुड में आ रहे हैं मेरे भाई, ये खराब परसेंटेज नहीं है, अच्छी परसेंटेज है। 60 से 70 के बीच में है, निकाल लो मेरे भाई, मान लिया किसी की 7 आई है सर, ठीक है, 7 एसजीपीए उसे मिला, 10 से गुणा करोगे आप कितनी आ जाएगी 70, इसमें से घटा दो कितना 7.5, कितना आ जाएगा 62.5, यानी 60 से 70 के बीच में परसेंट है, तो ये भी गुड है, बी प्लस, ये बेकार नहीं मानी जाएगी, गुड है मेरे भाई। 50 से 60 के बीच में तब आप एवरेज पे आ गए कि चलो ठीक है एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 50 है मेरे भाई तब आप पास हो केवल, ठीक है, जैसे अगर किसी का मान लिया एक अंदाजा बताएं, मान लिया चलो किसी का आ गया कितना 5.5 आ गया, तो 5.5 की आप 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, इसमें से 7.5 आप घटाओगे तो परसेंटेज वही आ जाएगी लगभग कितनी 7 चलेगा 48 जो भी आए 47-48 जो भी आएगी, यानी रियलिटी वो व्यक्ति सिर्फ पास है, और अगर किसी की परसेंटेज भैया 40 से भी कम हो गई है तो फिर वो फेल है, और ए भी लिख के आ गया इसका मतलब होता है वो एब्सेंट है, उसके पेपर वगैरह छूट गए सर, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है कि एसजीपीए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, मान लिया 8 है मेरे भाई, ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक परसेंटेज का डिफरेंस दिखाई देगा कि मेरे भाई पता लगा अगर 10 भी आ गए किसी के 10 में 10, तब भी 10 दाम कितना होगा 100 होगा, 100 में 7.5 का कितने 92.5%, क्या वो 100% आया, नहीं, क्योंकि एक एवरेज है, कैसे निकलता है क्या, इसके लिए पूरा एक टेबल बना के डिटेल में समझाना पड़ेगा, अभी आप केवल रिजल्ट का मजा लो। तो इस तरीके से क्या करते हैं, गुणा करते हैं और उसमें से 7.5 घटा के आपको एसजीपीए कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया ये क्या है मेरे भाई, ये है क्या, एक
ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज है, ये पॉइंट्स का एक एवरेज है, इस वजह से इस तरीके से इसे निकाला जाएगा। और कितना टेबल में क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि कितनी आपकी परसेंटेज, सबसे पहले अपने एस जी पी ओ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ये रही टेबल, देखिए सर आप किस में आते हैं। और नीचे कॉमेंट जरूर करके जाइएगा, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पास, फेल या एबसेंट, इनमें से कौन सा ग्रेड। अगर आपका इतना टाइम नहीं है सिर्फ ऐसे कर देना ओ या ए प्लस या ए या बी प्लस या कुछ भी सर, ठीक है। इंतजार करेंगे आपके कमेंट का और उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, आपकी समस्या तो सॉल्व हो ही गई होगी, बाकी कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे और तब आपको बताएंगे क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, एवरेज पॉइंट क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।